विश्व भर में जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती है तो खास तौर से कश्मीर की एक चित्र जो है वो उभर कर सामने आता है, लेकिन क्या जम्मू में ऐसी कुछ गाथा ही नहीं है जिस विषय से जम्मू कश्मीर का नाम जो है जम्मू के माध्यम से भी विश्व भर में फैलाए? आपको लगता नहीं कि ऐसी गाथाएं हैं जैसे धनवंतरी जी हैं जिनको यदि व्याख्यान किया जाए तो शायद जम्मू कश्मीर केवल कश्मीर से केंद्रित नहीं रह जाएगा? भारत के जंगे आज़ादी का जो इतिहास है, जो एक क्रांति की चिंगारी उस जमाने में देश में उठी जिसमें अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तात्या टोपे, अशफाक उल्ला खान, झांसी रानी, मंगल पांडे जैसे लोग हुए, उसी कड़ी में यहाँ धन्वंतरी जी जैसे एक महापुरुष हुए जो जम्मू के रहने वाले थे, और उस वक़्त चाहे लाहौर है, दिल्ली है, पंजाब है, उन्होंने हर जगह क्रांति की लौ और अलग जगाई। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ काम किया, ऐसे धन्वंतरी जी को हम नमन करते हैं। जम्मू के अंदर जो जम्मू यूनिवर्सिटी का जो वहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का नाम धन्वंतरी लाइब्रेरी है, और हमें इस बात की खुशी है कि यहाँ के भी जो महान क्रांतिकारी हैं आज उन पर भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बन रही हैं, उनका भी जो योगदान जंगे आज़ादी में रहा है लोग उसको याद कर रहे हैं। रविंद्र जी, ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने आज़ादी दिलवाने का सारा जो ठीकरा है वो सिर्फ महात्मा गांधी जी के लिए फोड़ दिया, बाकी इस तरह से जो है वो अनसंग ही रह गए? बहुत सारे ऐसे जंगे आज़ादी के वो हीरो हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, घर परिवार सब बर्बाद किया, फांसी के फंदे चूमे, लेकिन जिनका जिक्र इतिहास के पुस्तकों में नहीं रहा, जिन लोगों ने उस वक़्त वो सारा इतिहास लिखने का काम किया, पाठ्यक्रम में आना चाहिए इनका नाम। यकीनन ऐसे महापुरुषों का जिक्र पाठ्यक्रम में आना चाहिए, और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, यहाँ के बच्चों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी ऐसे महापुरुष क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने देश के लिए क्रांति की जो उस वक़्त अलग जगी देश में, उसमें अपना योगदान दिया। ये तो रविंद्र रैना जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को केवल कश्मीर केंद्रित रहकर ना छोड़ दिया जाए, इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि जम्मू में कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी गाथाएं हैं जिसको लेकर यदि उभारा जाए तो शायद जम्मू कश्मीर को लेकर ना केवल जो पटकथा लिखी जाएगी वो केवल कश्मीर पर केंद्रित नहीं होगी, उसमें जम्मू का नाम भी होगा, जिसमें ऐसी कई गाथाएं हैं जिस तरह धन्वंतरी जी हो गए, यदि उन पर पाठ्यक्रम बनाया जाए जिस तरह की मांग जो है रविंद्र रैना जी ने भी की है, तो शायद जम्मू के युवाओं को भी प्रेरित किया जा सकेगा कि आखिर जम्मू में किस तरह की चीज़ें थी जिन्हें उभार कर आगे लाया जा सकता है, और आने वाले समय में विश्व भर में जम्मू कश्मीर का नाम केवल जम्मू केवल कश्मीर पर केंद्रित नहीं रहेगा, जम्मू का नाम शाना बशाना उसके साथ रहेगा। I said, stop it! Cool down! अमृतसर तो बाहरी दुनिया से जोड़ने वाली टेलीग्राफ तारें भी काट जा चुकी हैं। अभी इन बातों के लिए बहुत छोटे हो रहे। हम आपकी बात से सहमत नहीं है भगवती जी, पॉलिटिकल शब्द को हटाना होगा। पॉलिटिकल शब्द नहीं हटेगा देवराज नारायण जी, मगर धनमंत्री अगली मीटिंग में क्या हो जाएगा? देवराज नारायण का बहुत बड़ा ग्रुप है और सभी उसी की बातों से सहमत हो रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, इस समस्या का समाधान है मेरे पास। बड़ी दूर की सोची तुमने, हमें तुम पर गर्व है, शाबाश। आजादी की कल्पना तब तक नहीं की जा सकती है जब तक निरंकुश फिरंगियों के खिलाफ हथियार न उठाया जाए। भैरव को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब।